माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट आ जाए प्ले स्टोर में, आप तुरंत ही उसको अपडेट कर देते हैं। लेकिन आप कभी देखे हैं क्या, ये अपडेट होने के बाद हमको क्या एक्स्ट्रा मिला जिसके वजह से हमको ये अपडेट करना पड़ा? तो आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे वो व्हाट्सएप के नए फीचर जो अपडेट के बाद आए हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड में आपको और एक ट्रिक में बताने वाला हूँ व्हाट्सएप में, जो कि है डिलीट करने का मैसेज। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर एक व्हाट्सएप के मैसेज को आप डिलीट करना चाहेंगे तो आप उसको 7 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसी ट्रिक में बताऊंगा जिसके वजह से आप कितने भी पुराना मैसेज हो वो आप डिलीट कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमारा एक वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप ऑलरेडी अपडेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे व्हाट्स न्यू, तो अपडेट होने के बाद हमको क्या न्यू फीचर यहाँ पे मिला है। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले दिखेगा कि इंट्रोड्यूसिंग स्टिकर, यू कैन नाउ डाउनलोड एंड सेंड एक्सप्रेसिव स्टिकर इन चैट। तो आपको इसी अपडेट में स्टिकर नया ऐड हुआ है जिसका मैंने वीडियो पहले ही बना लिया है। तो आप इसको आई बटन कहीं यही ऊपर आता होगा, वो आई बटन वहाँ पे प्रेस करके आप देख सकते हैं वो वीडियो को, या फिर मैं इस वीडियो एंड होने के बाद सजेशन में आपको दे दूंगा, तो आप वहीं से भी देख सकते हैं। और ये दूसरा फीचर है, यू कैन नाउ स्वाइप राइट ऑन मैसेज टू रिप्लाई। तो पहले आप एक मैसेज का रिप्लाई करने के लिए वहाँ पे एक प्रेस करके रखते थे और ऊपर रिप्लाई बटन दे के आप रिप्लाई कर रहे थे। तो मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो ये रहा व्हाट्सएप। तो अगर आप रिप्लाई करते थे पहले, तो यहाँ पे आपको ऐसे इसको क्लिक करके रखते थे और यहाँ पे आपको रिप्लाई करना होता था। लेकिन अभी नया अपडेट के साथ आपको यहाँ पे अगर ऐसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखिए, फिर से मैं आपको करके बताता हूँ। ऐसे ही कर दीजिए, आपको रिप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे थे, आज से इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने और एक बात आपको बताया था स्टिकर के बारे में, उसका वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और एंड ऑफ द वीडियो में, तो वहाँ पर चेक कर लीजिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के मैं आपको बता दूँ आपको स्टिकर कहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ इमोजी के नीचे अगर आप देखेंगे, आपको ये रहा इमोजी, उसके बाद आपको ये गिफ्ट मोड और उसके बाद ये स्टिकर का सिंबल है, इसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको स्टिकर का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो ये दो था अपडेट जो अभी लेटेस्ट आप जो व्हाट्सएप अपडेट करने के बाद आया है। तो इसके अलावा आपको और एक फीचर है जो कि है पीआईपी। तो पीआईपी क्या है? पिक्चर इन पिक्चर। तो ये पिक्चर इन पिक्चर मोड क्या है आपको मैं डिटेली बता दूँ। तो अगर मैं मान लीजिए इस जो बंदा है उसको मैं वीडियो कॉल करता हूँ। ओके, ये आ गया। सो अभी इसको रिसीव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो पहले क्या होता था, आप एक वीडियो कॉल करते थे तो आपको इसी जो इंटरफेस है आपको यहीं पे रहना पड़ता था। आप अगर पीछे जाते थे तो ये डायरेक्टली आप दूसरा काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी अगर आप बैक करते हैं ना, तो ये छोटा सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसको आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो इधर भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हैं, इसको बैक किया तो आप इधर ले सकते हैं। तो ऐसे आप होम स्क्रीन को भी जा सकते हैं देखिए, और इसके साथ आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के टाइप। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि पहले से ही ऐड हुआ था, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर से आप क्लिक कर दीजिए तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा। इसे और एक बार क्लिक करेंगे तो ये आप बैक आ गए। तो ये कि अच्छा फीचर है जो कि पीआईपी मोड है। ओके, तो इसके बाद हम और एक फीचर के बारे में जानेंगे। तो अगर आपका जो गैलरी है वो व्हाट्सएप के इमेजेस इस तरह से इमेजेस से भर जाता है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फीचर है। तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप में जाना है और अपने सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो चार्ट है वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो नीचे अगर आप देखेंगे शो मीडिया इन गैलरी, जो कि एनेबल्ड है, अगर इसको आप डिसेबल कर देते हैं तो अगर आपका कोई दोस्त अगर ऐसा मैसेज भेजता है तो आपको वो सिर्फ व्हाट्सएप में दिखेगा, लेकिन आपके इस फोटो में ये नहीं शो करेगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जिसका इमेजेस आपको गैलरी में सेव करना है,
तो उस एक बंदे का आप फोटो इमेजेस जो भी है उसको कैसे सेव करेंगे ना, आपको पर्टिकुलरली उस पर्सन के प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे उसको ओपन करके अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मीडिया विजिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको मैंने गैलरी का जो शो करने का ऑप्शन मैंने डिसेबल किया था, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी नो आ रहा है। तो आपको यहाँ से उसको यस कर देना है और ओके कर देना है, तो आपको इसी बंदे का इमेजेस और फोटो आपको आता रहेगा, लेकिन जो दूसरे बंदे हैं उनका आपको कोई भी इमेजेस फ़ोटो आपको नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लास्ट जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप एक मैसेज को कैसे डिलीट करेंगे अगर वो 7 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए, तो अभी हम इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये अगर आप टाइम देख रहे हैं, ये 10:42 हुआ है और ये मैसेज 8:29 को गया है, और इस ट्रिक को वजह से आपका मैसेज जितना भी पुराना हो, चाहे वो 10 मिनट्स हो, 1 डे हो, 2 डेज, 1 वीक या फिर 1 साल, आप कभी भी वो मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यही सेम मैसेज आपको मैं अपने दूसरे फ़ोन में दिखाता हूँ, देख लीजिए, ये रहा। सो सेम हाय हाउ आर यू, और टाइमिंग भी वही सेम है। ओके, तो अगर अभी मैं इसको सामने ही आपके सामने ही रखता हूँ, ओके, तो आपको करना क्या है, ये जो व्हाट्सअप अभी है उसको आपको क्लोज करना है रिसेंट बटन से। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाके इसको फोर स्टॉप करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में जाना है, ओके, और यहाँ पे व्हाट्सअप को सर्च करके उसको आप फोर स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे वो ऑप्शन है तो इसको आप फोर स्टॉप कर दीजिए, और एक बार ये हो जाए तो आपको ये इंटरनेट को भी बंद करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको जाना पड़ेगा डेट और टाइम के सेटिंग्स पे। ओके, तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम के सेटिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सेट डेट और टाइम, इसको अनटिक करना है और आपको मैन्युअली टाइम को सेट करना पड़ेगा। और वो टाइम कब होगा, तो मान लीजिए वो जैसे था 8:29 को, ये जो मैसेज है 8:29 को देख लीजिए, तो आपको वही सेम 8:29 के बाद का थोड़ा सा टाइम आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ वो टाइम, तो कर देता हूँ इसको 8:30। ओके, तो अगर 8:29 है उसका आप अगर 7 प्लस करते हैं वो हो जाएगा 36, तो वो टाइमिंग के अंदर आप किसी भी टाइम को ले सकते हैं। और जैसे ये हो जाता है आप इसको सेट कर दीजिए उसी सेम टाइम पे, और इसके बाद आपको करना क्या है, फिर से अभी आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है, और वो जो पर्टिकुलर जो मैसेज था ये रहा आई एम गुड, इसको सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा डिलीट फॉर एवरीवन। पहले आपको नहीं आता होगा, अगर आप टाइम चेंज कर देते हैं ये ऑप्शन आपको आ जाएगा डिलीट फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे आप डिलीट फॉर एवरीवन कर दीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखा दूँ इधर, यहाँ पे अभी तक वो मैसेज डिलीट नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, वापस से आपका वो जो इंटरनेट ऑफ किए थे आप वहाँ उसको चालू कर दीजिए। तो जैसे आप चालू कर देंगे, आपको इधर दिखा देता हूँ कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, तो सक्सेसफुली आप उस बंदे से अपना वो मैसेज डिलीट कर दिया। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, और मैं सोचता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ऐसे टेक्नोलॉजी वाले वीडियो को अपडेट पाने के लिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट बाय बाय।